प्रणाम, मैं सार्थक रंजन पप्पू यादव जी का पुत्र, और मैं नहीं चाहता था कि हमारी मुलाकात ऐसे हो, पर जैसे पापा कहते हैं कि समय और परिस्थिति के सामने किसी का बस नहीं चलता है, तो प्रणाम स्वीकार करिए मेरा। और मैं कल जो हुआ उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। कल दो घटनाएं हुई, एक जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी और दूसरी के बारे में सोच के सुकून मिलता है। कल हम सब ने मिलकर एक व्यक्ति के ऊपर अन्याय जो हुआ है, हम सब ने मिलकर ट्विटर पे हमने उस ट्रेंड को नंबर वन कर दिया और काफ़ी घंटों तक रहा। मैंने भी ट्वीट किया घर पे अपने आराम से सोफे में बैठ के, उसे नंबर वन ट्रेंड की दौड़ पे लगे रहे सोचा, पर वो कल हुआ और कल चला गया है। और अब जब जेल जाने की बारी आई है तो मेरे पिता अकेले हैं। कल 9 बजे से लेके कल आज सुबह 3 बजे तक वो सिर्फ एक मुजरिम की तरह ट्रीट हुए हैं, और मैं जानना चाहता हूँ कि उनका जुर्म है क्या। हॉस्पिटल्स की जो हालत है बिहार में, उसकी सच्चाई दिखाना जुर्म है या दवाइयाँ नहीं हैं तो जिनको ज़रूरत है उनको दवाइयाँ पहुँचाना जुर्म है, लोगों को खाना देना जुर्म है, या जो काला बाजारी चल रही है दवाइयों की उसको पेश करना जुर्म है। सबसे बड़ा जुर्म मेरे को ये लग रहा है कि एक नेता के घर पे जो छापा मार के उन्होंने आप लोगों के लिए जो एम्बुलेंसेस यूज़ होनी थी वो बस घर पे पड़ी हुई थी, और उन्होंने वो बस ये चाह रहे थे कि वो सारी एम्बुलेंस यूज़ हों आप लोगों के लिए। मुझे लग रहा है कि यही जुर्म उनका सबसे बड़ा रहा। और ये बिल्कुल ना समझें कि किसी को नहीं पता है कि किसकी वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है। यहाँ कोई बच्चा नहीं है और कोई डरा हुआ नहीं है। पप्पू यादव ना कभी किसी से डरा है ना कभी डरेगा। जब ये जुनून हर एक के अंदर है और हर एक बंदा, हर एक माँ, हर एक बेटी, हर एक भाई जब उसके पीछे खड़ा रहेगा, और उसको पूरा विश्वास है कि हर एक बिहार का व्यक्ति उनके साथ है, वो कल साबित हुआ है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो सिर्फ कल पे ही सीमित नहीं होना चाहिए, ये मुहिम चलती रहनी चाहिए। यही मेरे पिता का सबसे बड़ी जीत है। उनको पद से कोई लेना देना नहीं है, उनकी सबसे बड़ी जीत ही इसमें है कि उनके साथ सारे सच्चे लोग खड़े रहें, पूरा बिहार खड़े रहे, बिहार खुश रहे। उनकी सबसे बड़ी जीत यही है। उनके संघर्ष को हम सबको मिलके उसकी आग को उठा के ही रखना है, बुझने नहीं देना है। प्रणाम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।